देश भर में 400 आश्रम, 4 करोड़ से ज्यादा भक्त, हजारों करोड़ की बेशुमार दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, वो सब कुछ था। लेकिन उसने चुना बर्बादी का रास्ता, जिसकी मंजिल जेल थी। भक्तों के लिए जो किसी भगवान से कम नहीं था, एक एक शब्द भक्तों के लिए पत्थर की लकीर थी, करोड़ों अनुयायी उन्हें पूजते थे। लेकिन जिस तरह की घिनौने काम इस शख्स ने किया, लोगों का संत आस्था पर से विश्वास ही हट गया। ये कहानी है आसाराम बापू यानी आसुमल हरपलानी की, जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता सजदा करते थे। देश का कोई भी बड़ा अभिनेता, सेलिब्रिटी ऐसा नहीं था जो दरबार में अपना मत्था ना टेकता रहा हो। लेकिन आज वो अपनी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बिता रहा है। न रिहाई मिलती है, न ही जमानत। कितने ही बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार खारिज हो गई। बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ लिया, लेकिन रिहाई नहीं मिली। उल्टे जोधपुर में रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 81 साल के आसाराम बापू के लिए आज का दिन एक बार फिर बुरी खबर लेकर आ गया। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम को एक और रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया? आज हम आपको आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। आसाराम का जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम आसुमल हरपलानी था। तांगा चलाना, साइकिल दुकान में काम करना, वो सब कुछ आसाराम ने किया। लेकिन किसे पता था कि कुछ समय बाद यही शख्स करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का मालिक बन जाएगा। आसाराम ने बेहद कम उम्र में ही खुद को कच्छ के एक संत लीला शाह बाबा का शिष्य घोषित कर दिया और धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का धंधा भी शुरू कर दिया। सबसे पहले आसुमलन हरपलानी ने अपना नाम बदलकर आसाराम बापू कर दिया। अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम ने अपना पहला आश्रम शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ भक्तों की आस्था का फायदा उठाने का काम। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम हैं। आश्रम के लिए ज्यादातर जमीन को इस कथित संत ने भक्तों को अपनी बातों में बहला फुसला कर हासिल किया। इसके साथ ही भक्तों के पास से करोड़ों रुपए का चंदा आसाराम के ट्रस्ट में आता था, जिससे देखते ही देखते आसाराम कुबेरपति बन गया। लेकिन 2013 आसाराम के लिए बुरी खबर लेकर आया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने छिंदवाड़ा के आश्रम में आसाराम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। लड़की छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई के लिए आई हुई थी। लड़की वहीं हॉस्टल में रहती थी। उसके बाद 2016 में भी सूरत में रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सूरत की एक अदालत में इस पर अब भी केस जारी है। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हो गया। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। उसके बाद अब 2013 में ही गुजरात की एक महिला ने आसाराम बापू के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। उस मामले में भी आज आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा हो गई। संत के वेश में अवस के पुजारी आसाराम की जिंदगी अब जेल की सलाखों पर ही कटेगी, ये तय हो चुका है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।